अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री हमारा सब्जेक्ट है और हम आज फर्स्ट लेक्चर इसका जो है इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। और आज हम एक बड़ा क्विक सा जो है वो एक ओवरव्यू लेंगे बेसिक कंसेप्ट्स अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री। तो सबसे पहले जब हम बेसिक कंसेप्ट्स का जिक्र करते हैं, केमिस्ट्री जो है इट डील्स विद एटम। हम एटम के बारे में सबसे पहले स्टडी करते हैं। तो एटम के लिए जो सबसे पहले जो टर्म इंट्रोड्यूस करवाई गई थी दैट वाज एटमस। इट वाज अ ग्रीक टर्म एंड दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डेमोक्राइटस एंड लेटर ऑन इट वाज नॉन एज एटम एंड इट वाज यूज्ड बाय जॉन डाल्टन। एंड जॉन डाल्टन प्रपोज द एटॉमिक थ्योरी विच वॉज सपोर्टेड बाय बर्जीलियस। यहां पर आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि द टर्म एटम वॉज used by options में Democritus, Dalton, फिर आपके पास Berzelius and fourth one आपसे MCQs में पूछा जा सकता है, it may be a Frederick Wöhler। इसी तरह से जब हम एटॉमिक थ्योरी को स्टडी करते हैं तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट था दैट वाज एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नोर डिस्ट्रॉयड था, विच इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। एंड सेकंड पॉइंट वाज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन सेज दैट इफ टू एलिमेंट्स combine together to give two different compounds then one of them has a fixed ratio and other one will have a whole number ratio, like we have two elements hydrogen and oxygen, they combine to give us H2O as well as they combine to give us H2O2. Here 2 grams of hydrogen reacts with 16 grams of oxygen and 2 grams of hydrogen reacts with 32 grams of oxygen. 2 grams same hai hamare paas. The mass of one of the component is fixed and the other one is oxygen which is 16 and 32. To ratio aapke paas simple aa jayegi 1:2. To ye aapse MCQs mein pucha ja sakta hai ke according to लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन द रेशियो इन मास ऑफ ऑक्सीजन इन SO2 एंड SO3 इज 1:2, 2:3, 3:2 एंड डेल्टा इज 1:4। तो यहां पर जो आपके पास आंसर आएगा दैट विल बी 2:3 और इसको एज सच आपने खुद सॉल्व कर लेना है। तो जब हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख रहे हैं एटम का तो इट बर्जीलियस
को भी जब हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते. बर्जीलियस सजेस्टेड द सिंबल्स, बर्जीलियस डिस्कवर्ड सीरियम, ही डिस्कवर्ड सेलेनियम एंड ऑब्वियसली वी हैव डिस्कस दैट ही हैज स्पॉटेड बोहर्स एटॉमिक थ्योरी एंड ही स्पॉटेड द डाल्टन्स एंड ही स्पॉटेड द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन मीन्स वेन एवर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अंडरगो टू फॉर्म H2O, they always follow the following equation, and water will have 2:1 of the atoms, 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. फिर एटम के बारे में कुछ हमारे पास जनरल इंफॉर्मेशंस आ जाती हैं. वो जनरल इंफॉर्मेशंस ये हैं कि जो एटम है इट इज वेरी स्मॉल, इट इज टू स्मॉल टू बी सीन, ओनली इट्स इमेजेस आर सीन. वी हैव सीन ओनली इमेजेस ऑफ एटम एंड फॉर दिस वी एन इंस्ट्रूमेंट विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. अब यहां माइक्रोस्कोप में आपके पास MCQs के लिए नॉलेज के लिए एक आपकी जो सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप, इट हैज द एबिलिटी टू शो द 500 टाइम्स इन लार्ज इमेज. एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इट हैज द एबिलिटी to enlarge the image up to 50 million times. An electron microscope use a beam of electron, and beam of electron they must have the wavelength lesser than atom. If it is greater than an atom, then it will not interact with the atom and the image will not be displayed. नेक्स्ट, इसमें जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जिक्र करते हैं तो इसमें हमारे पास सबसे लेटेस्ट माइक्रोस्कोप जो है उसका भी हमारे पास होना चाहिए. दैट इज स्कैनिंग टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इट इज कॉल्ड STM एंड इट हैज द एबिलिटी टू शो द 500 मिलियन टाइम्स इन लार्ज इमेज. और इसी तरह से जब हम एटम का डायामीटर स्टडी करते हैं तो द डायामीटर ऑफ एन एटम रेंजेस फ्रॉम 0.2 नैनोमीटर, इट मे बी 2 एंगस्ट्रॉम, इट मे बी 2 पिकोमीटर, एंड द मास ऑफ एन एटम रेंजेस फ्रॉम 1.67 इंटू 10 रेज टू पावर -27 kg टू 10 रेज टू पावर -25 kg. ये एटम के बारे में जनरल आपके पास इंफॉर्मेशंस, बेसिक इंफॉर्मेशंस होनी चाहिए कि सबसे पहले जो एटम है इट वाज अ ग्रीक वर्ड विच वाज यूज्ड बाय डेमोक्रेटस, बट द टर्म ऑफ एटम वाज डिवाइज्ड बाय डाल्टन, एंड लेटर ऑन इट वाज बर्जीलियस हु स्पॉटेड द एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन. And Berzelius also discovered different elements, like he discovered selenium, he discovered cerium, and he proposed the system of symbol formations for the elements. और जनरल नॉलेज में कि एलिमेंट हम अभी तक सिर्फ इमेज लेने में कामयाब हुए हैं, और वो भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो किसी भी ऑब्जेक्ट का 500 टाइम्स इमेज को जो है नॉर्मल आपके पास होती है, दैट ओनली
डिटरमिन्स दी 500 टाइम इमेज, जो आपकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो इमेज को 50 मिलियन टाइम्स इंक्रीज कर सकती है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो 500 मिलियन टाइम्स को इंक्रीज कर सकती है। उसके बाद आपके पास जो है बेसिक कंसेप्ट्स में जो टर्म आती है दैट इज मॉलिक्यूल, एंड मॉलिक्यूल जो है दैट इज द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ मैटर विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इट मे बी मोनोटॉमिक इट मे बी डायटॉमिक इट मे बी ट्राइटॉमिक और इट मे बी पॉली एटॉमिक। एग्जाम्पल्स आपके पास मोनोटॉमिक नोबल गैसेज हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जीनॉन डायटॉमिक H2O2 N2 F2 एंड ट्राइटॉमिक कार्बन डाइऑक्साइड H2O एंड पॉलीएटॉमिक C6H12O6 C12H22O11 एंड दिस इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। इसी तरह से साइज को अगर हम बेस लेते हैं तो वी हैव माइक्रो मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मॉलिक्यूल्स लाइक H2 H2O CO2 एंड मैक्रो मॉलिक्यूल जो है दैट इज हेमोग्लोबिन दैट कंटेन्स कार्बन तो इसमें आपको हेमोग्लोबिन का फार्मूला जो है PPSC के लिए आपको इसमें तैयार होना चाहिए। और यहाँ पर एक छोटी सी बात के जो हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है दैट इज 68,000 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन एटम। आपसे समटाइम्स MCQs यहाँ से बना सकते हैं के हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज डैश टाइम्स हैवियर देन H2 मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ऑप्शन 68,000 टाइम्स, ऑप्शन बीटा 34,000 टाइम्स, ऑप्शन चार्ली 17,000 टाइम्स एंड ऑप्शन डेल्टा आपके पास आ जाएगा नन ऑफ दिस। अगर हाइड्रोजन एटम होगा देन इट इज 68,000 टाइम्स हैवियर, इफ इट इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देन इट इज डिवाइडेड विद टू, ये 34,000 टाइम्स आपके पास हैवियर आ जाएगा। और अगर हम यहां पर रिप्लेस करते हैं हाइड्रोजन को हीलियम 4 के साथ देन इट इज 17,000 टाइम्स हैवियर देन हीलियम मॉलिक्यूल। तो ये जो 68,000 का डाटा है इसको डिफरेंट एटम्स के मैसेज के साथ, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के मैसेज के साथ आपसे जो है वो पूछा जा सकता है। तो इसको अच्छी तरह से जहन में रखना है। आमतौर पर हम वो 68,000 के फिगर को जहन में रखते हैं और वो फौरन हम कर देते हैं। तो हमने देखना ये कि क्या एटम हमसे पूछा गया है, क्या मॉलिक्यूल हमसे पूछा गया है, क्या उसी का कोई मल्टीपल जो है वो हमसे पूछा गया। फिर बेसिक कंसेप्ट्स में मॉलिक्यूल्स की जो थर्ड हमारे पास टाइप आती है दैट इज टाइप्स ऑफ एटम्स। और जब हम टाइप्स ऑफ एटम्स को देखते हैं तो वी हैव होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड वी हैव हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। और ये आप सब जो है इस लेवल पे फेमिलियर हैं, इसको जस्ट इस तरह ही हम जो है आगे चलते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं आइंस, चार्ज बेरिंग और चार्ज कैरिंग स्पीशीज आर कॉल्ड आइंस। अब यहां पर जब हम आइंस को स्टडी करते हैं
तो आयंस हमारे पास सिंपल आयंस, हमारे पास चार्ज बेरिंग स्पीशीज रेडिकल्स भी होते हैं, हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयंस भी होते हैं और हमारे पास मॉलिक्यूलर आयंस भी होते हैं. इफ अ सिंपल एटम लाइक सोडियम गोज टू सोडियम पॉजिटिव, Cl by accepting an electron goes to chloride, then these are called simple ions. And जो इसमें आपके पास नेगेटिव आयन होगा उसके साथ IDE का हम इजाफा करते हैं, फ्रॉम क्लोरीन से क्लोराइड, फ्लोरीन से फ्लोराइड, आयोडीन से आयोडाइड. एंड इफ वी हैव अ ग्रुप ऑफ एटम्स एंड दे कैरी चार्ज, देन इट इज कॉल्ड रेडिकल्स, लाइक OH नेगेटिव, लाइक CO3 2 नेगेटिव, लाइक HCO3 नेगेटिव 1. एंड इफ दीज कंटेन्स अ ट्रांजिशन एलिमेंट विद लिगेंड्स हैविंग चार्ज, देन इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स आयंस. एंड इफ देर इज अ मॉलिक्यूल, अ मॉलिक्यूलर स्पीशी विच कंटेन्स चार्ज, this is called molecular ion. And ions are of two types, basically cation and anion. Cations, these are positively charged ions. These are formed by removal of electrons and it is an endothermic process. And anions, these are negatively ions. These are formed by the addition of electrons. And it may be exothermic or endothermic.